আর সেটাই আমি, আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। আর সেই ডায়লগটা হলো, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি, আমি একটা কোবরা, গোখরো আমি, আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। विकास करते करते राजनीति का इतना विकास हो गया है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजनीतिक मंच पर मिथुन चक्रवर्ती खुद को कोबरा बताने में गर्व महसूस कर रहे हैं। आप एक राजनीतिक दल में आए हैं, जंगल किंगडम में नहीं कि मैं शेर हूं, मैं कोबरा हूं कहते फिर। डू यू गेट माई पॉइंट? आमी तो शॉप शोमाय बांग्ला कथा बोलते पाड़ी ना, किंतु माझे माझे एक तो इंग्रेजी बोली, बाजे कथा बोली ना, कोई शक? गजब बेइज्जती है। कोई शक? डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ममता बनर्जी हावड़ा में एक मार्च में शामिल हुई थी। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर की भी सवारी की। जैसे ही उन्होंने स्कूटर को चलाने का प्रयास किया, वह डगमगा गईं और गिरते गिरते बची। उनके आसपास तैनात सुरक्षाकर्मी और नेताओं ने उनको गिरने से बचा लिया। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बड़ा हादसा होते होते उस वक्त बच गया जब वो कानपुर में थे और कानपुर में गंगा घाट की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, गंगा बैराज पर जो अटल घाट है उसकी सीढ़ियां चढ़ रहे थे और वहां उनका पैर फिसला। उनके साथ जो सिक्योरिटी के लोग थे फौरन अलर्ट हुए और उन्हें फौरन संभाला, मोदी जी गिरे। और जब तक कोई बड़ी चीज़ होती उन्हें सिक्योरिटी के लोगों ने संभाल लिया और मामला वहीं दब गया, वहीं पर उनको संभाल लिया गया। लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।